Hello, my dears. My name is Ehsan Faiz. I'm master in English from Normal Master in History, BA in Math from the University of Peshawar. And I've been teaching English grammar for a long time, so I have a lot of experience in this field. And I'm also the author of this book, Modern English Grammar Book, which I have written in 10 years, in which is included by 700 pages. This is a complete English grammar book useful for all the students of schools, colleges, and universities. So this is my short introduction. Enjoy my teaching. Let's get started. In this class, I'll teach you antonyms, mutazad. Antonyms, mutazad को कहा जाता है. वैसे इसका जो जमा है वो मुतजादात है, लेकिन ये आम इस्तेमाल में है. तो antonyms का तर्जमा हम करेंगे मुतजाद. मुतजाद वो अल्फाज होते हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल बरअक्स माना रखते हैं, यानी एक दूसरे के मुतजाद होते हैं. एक में जो एक खसूसियत होती है तो दूसरे में वो नहीं होगी. इसी तरह आप इसके डिफिनेशन को देखें, अ वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड, यानी वो लफ्ज़ जो कि दूसरे लफ्ज़ के बिल्कुल बरक्स और मुतजाद माना रखता हो तो उसको कहा जाता है एंटनम. मसलन गुड बैड, ये दोनों एक दूसरे के एंटनम्स है, मुतजाद है. लेजी एक्टिव डे नाइट. नाउ यू सी गुड बैड, गुड मीन अच्छा, बैड मीन बुरा. तो जिसमें अच्छाई हो उसमें बुराई नहीं, और जिसमें बुराई हो उसमें अच्छाई नहीं. तो गुड बैड दे आर एंटोनिम्स टू ईच अदर. लेजी एक्टिव, लेजी मीन सुस्त काहिल, एक्टिव मीन चुस्त और बामन. इसी तरह डे नाइट, तो डे में रोशनी होती है, दिन में रोशनी होती है, नाइट में अंधेरा होता है. तो इस तरह डे नाइट ये एक दूसरे की मुतजाद है. ठीक है, अब इसको मैं पॉइंट्स में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा एंटोनिम्स में, आप जहन में रखें, ये ग्रामर के हवाले से बहुत ज़रूरी है. मसलन पॉइंट वन, मोर देन वन एंटोनिम्स. हमारे पास इंग्लिश में या किसी भी ज़बान में ऐसे अल्फाज होते हैं कि एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा एंटोनिम्स होते हैं, यानी एक लफ्ज़ आप बोलते हैं तो उसकी लाजमी नहीं है कि एक ही एंटोनिम हो, उसके एंटोनिम या मुतजाद अल्फाज एक से बढ़ के होते हैं, दो तीन भी होते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं. मसलन ओल्ड, हमारे पास एक वर्ड है ओल्ड, तो इसके एक्सपेक्टेड मुतजाद जो है वो यंग और न्यू दोनों है. तो अगर ओल्ड आपने लिखा है तो इसका जवाब अगर कोई यंग दे तो भी ठीक है, अगर न्यू दे तो भी ठीक है. मसलन आप कह सकते हैं ओल्ड मैन, तो इसका जो है ना मुतजाद यंग मैन ज़्यादा सूटेबल है. या आप कहें ओल्ड हाउस, तो इसका मुतजाद आप न्यू हाउस लिख सकते हैं. मतलब ये यंग और न्यू इन दोनों का मुतजाद ओल्ड है, ओल्ड का मुतजाद यंग और न्यू दोनों है. यानी ये जो अल्फाज वर्ड्स एंटोनिम्स मैंने लिखे हैं तो इसका मुतजाद ये है और इसका मुतजाद ये है. ठीक है, यानी जिस लफ्ज़ का मुतजाद हो तो उस लफ्ज़ का मुतजाद वो दूसरा होता है, दोनों एक दूसरे के मुतजाद होते हैं. ठीक है, अगली, अब देखिए ना अगली, इसके मुतजाद कई एक है. मसलन ब्यूटीफुल लवली हैंडसम प्रेटी, ये सब जो है ना अगली के मुतजाद है. अगली बदसूरत को कहते हैं, ब्यूटीफुल खूबसूरत को कहते हैं, लवली हैंडसम प्रेटी ये सारे खूबसूरत को कहते हैं. इसी तरह वाइज, तो इसके मुतजाद है अनवाइज फूलिश स्टूपिड इडियट सेली. अब देखिए ना ये सारे जो है ना वाइज के मुतजाद है. तो इसी तरह इसके मुतजाद वाइज है और वाइज के मुतजाद इडियट है, ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद है. अगर आपके पास ईडियट आ जाएगी इसके मुतजाद लिख के, तो वैसे ईडियट की तो आप मुतजाद क्लेवर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप वाइज भी लिख के तो ठीक है. इसी तरह स्टूपिड, स्टूपिड के मुतजाद आप लिख सकते हैं वाइज. इसी तरह अनवाइज के मुतजाद आप लिख सकते हैं वाइज, और वाइज के मुतजाद आप लिख सकते हैं अनवाइज, यानी एक दूसरे के मुतजाद होते हैं. ओके, ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है कि हर एक लफ्ज़ के मुतजाद नहीं होते. ये लाजमी नहीं है कि आपके पास जो भी लफ्ज़ आ जाए तो इसके मुतजाद होंगे, नहीं, ये लाजमी नहीं है. और बिलखसूस जो है न्यूटर नाउन्स में, क्योंकि न्यूटर नाउन्स इंग्लिश में, हमारे पास न्यूटर नाउन्स में जेंडर नहीं होते. मसलन इसमें फेमिनिन और मैस्कुलिन नहीं होते. मसलन डोर, तो इसके मुतजाद अगर आपको कोई कहे कि डोर के मुतजाद किया है एंटोनिम, तो इसके मुतजाद तो नहीं है. ठीक है, ग्लास बुक शॉप शूज़, पर्टिकुलरली सब्ज़ी और फ्रूट में मसलन पोटैटो, व्हाट वुड बी एंटोनिम ऑफ पोटैटो, पोटैटो का एंटोनिम मुतजाद क्या होगा, इसका मुतजाद नहीं है. बनाना,
ये फ्रूट है, तो इसमें इसका मुतजाद नहीं है बनाना का। आप इस तरह तो नहीं कह सकते हैं कि बनाना के मुतजाद एप्पल है, ये तो ठीक नहीं है, तस्वुर गलत है। ठीक है, तो ये बात जहन में रखी कि एंटोनिम्स जो है ना हर एक लफ्ज़ के लिए लाजमी नहीं है, बट नॉट फॉर ऑल। लेकिन ये भी जहन में रखी कि सारी न्यूट्रल नाउन्स जो है ना वो ऐसा नहीं है कि उनके मुतजाद नहीं है, बहुत से न्यूट्रल नाउन्स ऐसे हैं कि उनके मुतजाद है भी। मसलन फायर वाटर, फायर का मुतजाद वाटर है और दोनों जो है ना न्यूट्रल नाउन्स है, लेकिन इनके मुतजाद है फायर इसके वाटर में। इन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराक्स खसूसियात रखते हैं। ठीक है, हार्ड सॉफ्ट इसके मुतजाद है स्ट्रॉन्ग वीक, इसके मुतजाद है स्काई अर्थ, एक दूसरे के मुतजाद है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना न्यूट्रल नाउन्स में कुछ चीज़ों के मुतजाद हो सकती है और कुछ की नहीं हो सकती है। जिस तरह के मैंने ये बताई तो इनके मुतजाद नहीं, इसी तरह इनके मुतजाद। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, कई एक अल्फाज है, ये आप पर मुनसर है कि आप कितने अल्फाज जानते हैं। जितना ज़्यादा अल्फाज आप जानते हैं और इन चीज़ों पर समझते हैं तो आप ये फ़र्क कर सकते हैं। ओके, अब प्रीफिक्सेस, ये जो है तीसरा पॉइंट, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस है, मसलन इन एन एम एर एल डी। जब हम किसी लफ्ज़ के इब्तिदा में इन प्रीफिक्सेस को दाखिल करते हैं तो हम उसके एंटोनिम बना सकते हैं। मसलन एक्टिव, तो इनसे हम इनएक्टिव बना सकते हैं। एक्सेसिबल, इनसे हम इनएक्सेसिबल बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अन से हम एबल से अनएबल बना सकते हैं, ट्रूथ से अनट्रूथ बना सकते हैं। इसी तरह आई एम का इस्तेमाल करके हम पॉसिबल से इम्पॉसिबल बना सकते हैं। ठीक है ना, आई एम प्रीफिक्स दाखिल करके रेगुलर से हम इररेगुलर बना सकते हैं, लीगल से हम इलीगल बना सकते हैं आई आर और आई एल को इस्तेमाल करके, और फेम से हम डी फेम इस्तेमाल बना सकते हैं। तो एक दूसरे के एंटोनिम्स हम इन प्रीफिक्सेस को इब्तिदा में दाखिल करके हम बना सकते हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट ये है कि जो एंटोनिम्स है ये जो है ना ये हमें जो है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिलते हैं, यानी हम इसके नाउन से भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव की भी बना सकते हैं, एडवर्ब की भी बना सकते हैं, प्रीपोजिशन की, लेकिन उनमें से सिर्फ प्रीपोजिशन की नहीं बना सकते हैं। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इन तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो है ना एंटोनिम्स नहीं होते, बाकी जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन पांच पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर एक की हम बना सकते हैं। मसलन अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह। देखिए ना, नाउन एबिलिटी एक नाउन है, तो हम इससे इन एबिलिटी इसकी एंटोनिम बना सकते हैं। एक्टिव, ये एक नाउन है, इन एक्टिव हम इसके एंटोनिम बना सकते हैं। इसी तरह एडजेक्टिव में एबल, ये एडजेक्टिव है तो हम अनएबल इसके बना सकते हैं। आर्म्ड, अनआर्म्ड ये हम बना सकते हैं। इधर में एक और अहम पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए ना एबिलिटी के अगर हम एंटोनिम बनाएंगे तो हम इनएबिलिटी बनाएंगे, अनएबिलिटी नहीं, क्योंकि अनएबिलिटी ये जो है ना ये डिक्शनरी में या किसी बुक में नहीं मिलते आप, या ना आप किसी से सुन सकते हैं अनएबिलिटी। मसलन ये जो ज़बान में राइज अल्फाज हो उनके मुताबिक हम बनाएंगे। ठीक है, अब एक्टिव, तो आप इधर अनएक्टिव नहीं बना सकते, आपकी मर्ज़ी नहीं है कि आप कहाँ जहाँ भी चाहे इन या अन दाखिल करके आप इससे जो है ना एंटोनिम बना सकेंगे। ये वो अल्फाज आप बन सकते हैं, ये वो अल्फाज बन सकते हैं जो पहले से राइज हो, जो ज़बान वाले हो वो समझते हो और डिक्शनरी में मौजूद हो, तो उसके मुताबिक हम बना सकेंगे। अब देखिए ना एबल अनएबल बना सकते हैं, लेकिन इनएबल हम नहीं बना सकते, यानी मतलब एबिलिटी के बजाय हम अनएबिलिटी नहीं बना सकते, एबल से हम इनएबल नहीं बना सकते हैं। इधर एबिलिटी से हम इनएबिलिटी और एबल से हम अनएबल बनाएंगे, आर्म्ड से हम अनआर्म बनाएंगे। इधर आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप इनआर्म बनाए। ठीक है, तो आप किस तरह पहचानेंगे, ये आप डिक्शनरी में देख के आप ये कन्फर्म कर सकते हैं, या लोगों से सुन के आप इनको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एडवर्ब में भी हम बना सकते हैं एंटोनिम्स, मसलन कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली बाज़मीर या होश में हो, जो अनकॉन्शियसली बेहोश आप उनको कह सकते हैं, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स है। स्क्रूपुलसली,
कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली स्क्रूपियसली, ये एडवर्ब है ना, बावसूल, अनस्क्रूपियसली, स्क्रूपियसली बावसूल, अनस्क्रूपियसली बेवसूल, स्क्रूपियसली यानी बावसूली अंदाज में, ये जो है ना एडवर्ब है तो हम इस तरह कहेंगे अनस्क्रूपियसली बेवसूली से, यानी अब प्रिंसिपली और अनप्रिंसिपली इसके जो है ना सिनोनिम्स भी जहन में आप बना सकते हैं। मसलन स्क्रूपियसली तो स्क्रूपियस, स्क्रूपियसली इसके जो आप तर्जमा करेंगे तो इसका मतलब है प्रिंसिपली, अनस्क्रूपियसली अनप्रिंसिपली, ठीक है। तो एडवर्ब के हम बना सकते हैं इस तरह, वर्ब की भी हम बना सकते हैं। मसलन हमारे पास कई वर्ब है कि इसके एंटोनिम है, मसलन अ लाफ जो है ना, तो इसके आप एंटोनिम वीप बना सकते हैं। इसी तरह जो है ना स्लीप, इसके आप बना सकते हैं अवेकन, ओके अवेक। तो इसी तरह जो है ना वर्ब में भी बना सकते हैं और इसी तरह प्रोनाउन में आप भी बना सकते हैं। मसलन शी के एंटोनिम ही है इसी तरह, लेकिन प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन इसमें आप एंटोनिम नहीं बना सकते। तो इसी तरह ये बात जहन में रख के और ये आखिरी पॉइंट में आपको ये वाजह करना चाहता हूँ कि कुछ लोग एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बात क्लियर कर जहन में रख के, सिनोनिम जब आती है तो इसका मतलब है मुतरादिफ अल्फाज, मसलन एक ही माना रखने वाले अल्फाज उनको हम कहते हैं सिनोनिम्स, और एंटोनिम्स वो जो दूसरे के एक दूसरे के बिल्कुल बराक्स माना रखते हो, मुतजाद माना रखते हो, तो हम इनको एंटोनिम्स कहते हैं। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की उनकी ये चीज़ें एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। मसलन अगर आपको इस तरह की कोई अल्फाज आ जाए तो आप इन प्रीफिक्सेस को दाखिल करके आप बना सकते हैं, और इसी तरह सोच करके आप ख़ुद बना सकते हैं। आप जहन में यही भी रखें कि हर एक लफ्ज़ का एंटोनिम बन भी नहीं सकता, लेकिन सिनोनिम्स जो है ये अलग बात है, उसको मैंने एक दूसरे लेक्चर में तफसील से बयान किया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई क्लास, फॉर मोर ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन वॉच माई वीडियोज़ कंटिन्यूसली, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, माई मैसेज टू द वर्ल्ड इज़ सर्व ह्यूमैनिटी, बाय बाय।